गाइस वेलकम बैक। क्या आप लोग भी इस सीजन स्किन को ग्लोइंग दिखाना चाहते हैं और आपकी स्किन ग्लो नहीं कर पा रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है कि आपकी स्किन ग्लो कर सके? आपको क्या करना है, आपको एक नारियल का तेल लेना है और उसके 2 चम्मच आपको एक कटोरी में निकाल लेने हैं और उससे अपने फेस की मसाज करनी है 5 से 10 मिनट के। जैसे मैंने नारियल का ऑयल अपने फेस पे अप्लाई करा है तो मैं इसकी ऐसी मसाज करूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। मैं यहाँ थोड़ा और नारियल का तेल अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये हमारे फेस पे हालांकि सोते तो नहीं होता है, बट हम कोशिश करेंगे कि ये हमारी स्किन में जितना हो सके उतना जा सके। इससे हमारी स्किन में एक ग्लो करने में ये हमारी स्किन को बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, हमारी स्किन के आंखों के नीचे अगर काले घेरे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे होते हैं वो, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। आपको ऐसी ही मसाज देनी है अपने फेस को। दूसरा, अगर आप नारियल तेल की मसाज रात को करके सोते हो तो इससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ज़्यादा ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि उनकी समर्स में तो बैलेंस हो जाती है। समर्स में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन, तो उनको ऑयल सूट नहीं करता है। बट आप लोग क्या करें, आप 5 से 10 मिनट के लिए नारियल तेल की मसाज करें अपने फेस पे, उसके बाद कोई भी फेस मास्क लगा लें जैसे मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्किन को 5 से 10 मिनट हो गए हैं मसाज करते हुए, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने अपने फेस की मसाज कर ली है। अब मैं इसको वॉश करके आऊँगी गुनगुने पानी से और उसके बाद इस पे फेस पैक लगाऊँगी और उसके रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना सॉफ्ट और कितना ग्लोई लग रहा है। इस रेमेडी को मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ, इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मेरे अपनी स्किन पे देखने को मिले हैं। जो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं हमारी स्किन पे विंटर्स में, समर्स में धूप की वजह से, वो भी इसे धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाते हैं। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट जैसी होने लग जाती है। अब मैंने वो हटा दिया है तो अब मैं इस पर एक फेस पैक लगा रही हूँ, वो मार्केट से ख़रीदा हुआ ही फेस पैक है। अगर आप चाहें तो आप अपनी स्किन पे ये मसाज करने के बाद मुल्तानी मिट्टी को वाटर में भिगोकर, रोज़ वाटर में भिगोकर भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपकी स्किन के 2 फ़ायदे होंगे, प्लस आपको आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी और दूसरा आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। मॉइस्चराइज तो आपने ऑयल से कर ली है और टाइटनिंग आप अपने फेस पैक से कर लोगे, तो अगर 1 में 2 फ़ायदे मिल रहे हैं तो आप ज़रूर लेने चाहिए हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरी स्किन यहाँ से बहुत लूज़ पड़ जाती है अगर मैं ज़्यादा नहीं सोऊँ इस एरिया में, मुझे लाइंस की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो ये इन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में, मेरी स्किन को यंग दिखाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने पूरे फेस पे ये फेस पैक लगा लिया है। इसके बाद आप चाहे तो अपनी आईज़ पे खीरे या फिर कीवी के पीस रख सकते हैं, जिससे आपको आंखों को रेस्ट मिले और आपकी आंखें के काले घेरे गायब हो जाए। तो आप लोगों को मैं मिलती हूँ ये सूखने के बाद। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप लोग देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, मेरा फेस कितना ग्लोइंग लग रहा है। और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये ट्रिक अपनाने के बाद, मसाज करने के बाद फेस पैक लगा रहे हो और उसके बाद अगर मेकअप कर रहे हो, तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा और ना कोई ऑयल, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक नहीं करके देखा है तो एक बार करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।